रांची से लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 22 अप्रैल से शुरू होगी चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया। आपको बता दें कि खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा और पलामू में एनडीए प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। चाईबासा से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा 22 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करेगी। खूंटी की बात करें तो खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं लोहरदगा से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव भी नामांकन दाखिल करेंगे 24 तारीख को। और खबर पर जानकारी के लिए लगातार संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, चौथे चरण को लेकर अब हलचल देखने को मिल रही है, नामांकन का जो दौर है वो तेज होने वाला है। देखिए, जाहिर सी बात है, चौथे चरण की नामांकन को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं प्रक्रियाएं जो है वो 22 तारीख से शुरू होगी। अगर चौथे चरण की नामांकन की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा नॉमिनेशन करेंगे। इसके अलावे गीता कोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम से यानी सिंहभूम चाईबासा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है गीता कोड़ा, वो 22 अप्रैल को करेंगे। इसके अलावा हम बात करें समीर राव जो लोहरदगा से कैंडिडेट है वो 24 को करेंगे। वीडी राव पलामू से जो कैंडिडेट है भाजपा के वो भी 24 को करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो नामांकन की प्रक्रिया है चौथी चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर वो शुरू हो गई और 22 तारीख से जो कैंडिडेट है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से वो नॉमिनेशन करने वाले हैं। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।